हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एसक्यूएल सर्वर की है। जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा पीके, तो ये पीके क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास अफलक नाम का डेटाबेस एक मौजूद है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा टेबल पे आते हैं। जैसे ये बीटेक वाली जो टेबल बनी हुई है इस पे जाते हैं और इसके कॉलम्स को देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ कॉलम पे आते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें रोल नंबर नाम का एक कॉलम है। और जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पीके नजर आ रहा होगा, पीके इंट नॉट नल। अब शायद आपके बात समझ में आ रही होगी कि ये पीके है क्या। फिर यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पीके दिखा रहा है, यहाँ पे तो वही है, सेम है। तो ये पीके है क्या आखिरकार? तो पीके का मतलब और कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये रोल नंबर जो है पीके है, यानी पीके वो फिल्म वाली पीके नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है पीके का मतलब है प्राइमरी की। क्या नाम है? प्राइमरी की। इसका पूरा मतलब होता है प्राइमरी की। और जब भी प्राइमरी की होती है ना तो वो यूनिक होती है। अब यूनिक का क्या मतलब है, जैसे अगर बात करें इस टेबल की तो यहाँ पर ये टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ये टेबल ओपन भी हो जाएगा। यहाँ राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज पे जाऊंगा तो ये टेबल आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम बीटेक के स्टूडेंट्स के डिटेल लिखे हुए हैं, 3-4 स्टूडेंट्स हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे आए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 3 कर दिया, 3 ऑलरेडी आया हुआ है, और यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करता हूँ किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं होने देगा। और यही तो मतलब होता है पीके का, ठीक है। यानी ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, ठीक है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको एरर भी शो हो जाएगा कि नो रो वॉज अपडेटेड, द डाटा इन रो 5 वॉज नॉट कमिटेड, एरर सोर्स फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल क्लाइंट डाटा प्रोवाइडर। और यहाँ पे लिखा हुआ है पीके बीटेक कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट dob.bitec, यानी कि बीटेक वाला जो डेटाबेस है, जो टेबल है, उसमें आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते, इस फील्ड में आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। इसी का मतलब होता है प्राइमरी की, यानी इसे आपने प्राइमरी की बनाया है तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर अलाउ है जो प्राइमरी की नहीं बनाए? जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट में तो अलाउ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लिख दिया, यहाँ पे बीटेक कर दिया, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 6 कीजिए, यहाँ पे फिर से राम कर दीजिए, अब तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत आसान है। और एसक्यूएल में हो, माई एसक्यूएल में हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हो, किसी भी डेटाबेस में आप अगर काम कर रहे हैं और आपको अगर प्राइमरी की नहीं समझ में आ रही, तो प्राइमरी की यानी पीके का मतलब यही होता है प्राइमरी की। और प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है अपने पास, यूनिक के अलावा कोई दूसरी वैल्यू ये कंटेन नहीं कर सकता, यानी कि रिपीटेड रिपीटेड वैल्यू ये कंटेन नहीं करेगा अपने पास। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए और इसको भूलिएगा मत, ठीक है।